इसाई। नहीं बाजार के सोनू पहलवान अगर आया तो हमारी आवाज सुने तो करता यशवीर और विकास तैयार रहेंगे, उसके बाद अनिल और अभिषेक पांडे। पांच और एक का स्कोर है। देखिए पूरे पहलवानों का इसमें जान निकल जाता है, चार मिनट में कहीं से कोई कसर नहीं रह जाती है। और एक स्थिति आगे चल के बैठ का रूप ले लेती है, गद्दे का रूप ले लेती है, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल का कार्यक्रम होता है। आज धन्य इस कमेटी के लोग जिन्होंने इतना बढ़िया आप ऐतिहासिक दर्जी चौरी चौरा के जी जी राजी जगदीशपुर श्री हवा टोला के एक देव के स्थल पे आज दंगल पहुँचता है, इसमें आप उसका उपस्थिति हुआ है। आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन पूजा में आपने सबको पता है कि हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण जी को पूजते हुए उन्होंने देश समाज की रक्षा के लिए अपने एक उंगली पर गोवर्धन को उठाया था। उसके उपलक्ष्य में आज जो यहाँ पे नवयुवक मंगल दल के आयोजक मंडल के हमारे छोटे भाई संदीप त्रिपाठी ऋषिकेश सिंह गोलू जी ने जो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो दंगल कर रहे हैं, दंगल से हमारे देशवासियों की भारत की सबसे मूल चीज़ है कुश्ती, ये भारत की पहचान है, क्योंकि ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे कुश्ती मिट्टी में की जाती है। जो माटी के लाल, धरती के वीर, धरती पुत्र जो कहे जाते हैं, ये इसी मिट्टी और दंगल की देन है। और इस दंगल के अखाड़े से निकल करके न जाने कितने कितने वीर सुरमा भारत ही नहीं पूरे विश्व के पटल पर आगे निकले हैं। ऐसी परंपरा का निर्वहन, शहीदों की धरती कही जाने वाली, शहीदों का स्थान कहे जाने चौरी चौरा, और उससे भी पावन तट ये मीट बाबा का स्थान जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजन मंडल को, नवयुवक मंडल दल को और आयोजन समिति को, ग्राम सभावासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आप ग्रामीण इलाके में आकर के इस दंगल को प्रसारित करने का कार्य किए हैं। आज के जो नवयुवक बच्चे देख रहे हैं कुश्ती विलुप्त होता जा रहा है, उन बच्चों के लिए क्या संदेश है? ये उन बच्चों के लिए संदेश है कि जिस तरह से पूरा विश्व, पूरा देश गांव की तरफ कूच कर रहा है, गांव की तरफ बढ़ रहा है, और जब जब आप गांव की तरफ बढ़ेंगे तब तक आपको कुश्ती और दंगल, कबड्डी, खो, ये सब सारे खेल गांव में मिलेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, गोरखपुर वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अपने पुरानी चीज़ों पर, अपने धरोहर जो हमारी दंगल है, कुश्ती है, उसको अपनाइए और अपने कद काठी को मजबूत कीजिए, और जब आप मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। मेरा नाम भारतेंदु यादव, मैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का प्रदेश महामंत्री हूं। मैं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ता हूं, लेकिन जब अपने देश की बात आती है तो नौजवानों के साथ दो दो हाथ करके दंगल को भी आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ।